अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक। ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक्स है क्या चीज़? अच्छा, उसके बाद इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलो हमने क्या डिस्कस करना है। मिनरल्स, हमें सबसे पहले इसके इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद इससे डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारे पास नेचुरली अक्रिंग होते हैं, ठीक है, क्या कुदरती तौर पर हमारे पास क्या पाया जाता है। दूसरा, हमारे पास क्या होता है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड, इनकी कंडीशंस क्या होती है? क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, ठीक है, नेचुरल अक्रिंग भी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है हमारे पास। अच्छा, दूसरा मैं आपको दोस्तों बताता चल के टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमारे पास क्या, मिनरलाइजेशन की क्या चीज होती है। हम इसके अंदर दो तरह के मिनरलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। क्या होता है हमारे पास? नेचुरली अक्रिंग। दूसरे होते हैं हमारे पास क्या? आर्टिफिशियली, मतलब कि जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं। अच्छा, इस चीज के हट के मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक्स होती क्या है। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक्स वो होती है या मिनरल्स वो होती है जिसके जरिए क्या है, हम क्या उसको लाइट के जरिए या हमारे पास क्या है उसमें से क्या है नजर आए, उसके अंदर क्या है उसका स्केच हमारे पास क्या है, दूसरी जगह पे क्या शो ना हो। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक्स है बेसिकली कि वो लाइट्स के अंदर हमारे पास उनका व्यूज किस तरह का होता है, ठीक है, और उनकी शाइनिंग किस तरह की है, वो क्या मतलब कलरलेस होते हैं हमारे पास। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास सारे नेचुरली अक्रिंग पाए जाते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट की काइंडली सर आप अपना लेक्चर तैयार करें ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक्स के बारे में, क्या लेक्चर दें, थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में बताएं, इसके बारे में मोटिवेट करें कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक्स है क्या। तो मैं आपको बेसिकली पूरा इसको पढ़ाने के बाद तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ रॉक्स है क्या। तो हम ये क्या किस तरह की दोस्तों, ये आपके सामने है क्वार्ट्स, देख ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वार्ट्स को मैंने लाइट के सामने रखा है, टॉर्च के सामने, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। दूसरे साइड पे इसकी तरफ क्या है आपको लाइट्स क्या है प्योर नज़र आ रही है, मतलब कि उस लाइट्स के अंदर क्या है उसके मिनरल जो नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये हमारे पास क्या है? रोज़ क्वार्ट्स है दोस्तों। ये रोज़ क्वार्ट्स सेम हमारे पास क्या साल्ट की तरह नज़र आता है, देखने में ऐसे ही लगता है कि हमारे पास क्या साल्ट है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? रोज़ क्वार्ट्स है। ये भी हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, इसकी हार्डनेस हमारे पास होती है 7 क्वार्ट्स की। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि क्वार्ट्स और फेल्डस्पार, अगर हमारे पास वाइट कलर का क्वार्ट्स है और हमारे पास मिल्की कलर का हमारे पास क्या है? फेल्डस्पार है। तो इनको देखने में थोड़ा सा क्या है, सिर्फ कलर की वजह से डिफरेंस हमें क्या पता लगता है। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास कैल्शियम प्लेजियोक्लेस होते हैं और उसके बाद हमारे पास होते हैं इसके अंदर मैग्नीशियम प्लेजियोक्लेस होता है। इसका सिर्फ ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। फेल्डस्पार है हमारे पास, ये किसी रिवर या चैनल्स के अंदर हमारे पास क्या मूव हो गया है, तो इस वजह से इसकी क्या राउंड शेप हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड लिसनिंग माय टॉपिक। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।